होलियों के त्यौहार जो है वो इसी तरीके से मनाया जाता है। पहले हनुमान जी की झांकी, फिर बाबा भैरव जी की झांकी, जिसमें बिना मजलो मिलट यहाँ पे युवा आए हुए हैं। आज आपके कैमरे में सब कह रहे हैं, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सबका आपस में भाईचारा है ये जो दिखने में आ रहा है। ये जो त्यौहार है रामपुर राजौरी में मनाया जाता है, इसके पीछे इसकी कोई डेट नहीं है। अगर मैं बात करूं 1947 की, 1947 के जो बुजुर्ग हैं उनसे मेरी कई बार बात हुई इस विषय पे, उन्होंने बोला जब हमारी उम्र 12 साल की थी तब भी ये यहाँ पे प्रोग्राम ये चलता होता था। एक बार की बात है कि राजौरी के अंदर एक काल पड़ गया, यहाँ के जितने भी बुजुर्ग थे हमारे राजौरी के, सभी हिंदू मुस्लिम सिख भाई आपस में विचार किया, सबने एक संत महात्मा के पास गए, उन्होंने बोला होलियों का त्यौहार आने वाला है, आप यहाँ पे झांकी निकालो, पहले हनुमान जी की झांकी, फिर बाबा भैरव जी की झांकी। जब से झांकी निकली तब से ये यहाँ पे काल नहीं पड़ा। मेरा मानना ये है कि ये जो जोड़ी की परंपरा है, ये जो जोड़ी की परंपरा है इनके अंदर जैसे मेरा मानना है आज यहाँ कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस पिछले मार्च को शुरू हुआ था, बीच में खत्म हो गया, दोबारा आने की शंका बनी हुई है, ऐसे मीडिया पे चैनल पे आ रहा है। मैं ये प्रार्थना करता हूँ बाबा भैरव जी से कि यहाँ की जितनी भी आवाम जो इस झांकी के साथ है, सबसे निवेदन करता हूँ कि सब लोग अपने निवेदन को प्रार्थना करें भगवान जी से कि ये जो कोरोना वायरस है यहाँ से खत्म हो जाए, ताकि हमारा जो जिस तरीके से हम त्यौहार मनाते रहें, ये राजौरी की एक परंपरा है। आज तक यहाँ पे हर साल इसी तरीके से भाईचारा दिखने में आता है, और खासकर यहाँ का जो युवा है हिंदू, सब आपस में भाईचारे के साथ कर रहा है। यहाँ का रोल बड़ा अच्छा है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा रोल है यहाँ पे दिखने आ रहा है। मैं अपनी ओर से यहाँ की जो टीम है, यहाँ की भैरव बाबा जी की टीम है, उनको मैं बधाई देता हूँ जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की टीम है जिसमें हमारे देवी दत्ता जी हैं, निशु जी हैं, राधेश जी हैं, सुकेश काका जी हैं, और हमारी बड़ी बड़ी टीम यहाँ पे कम से कम 20 लोगों की टीम है जो काम कर रही है। मैं अपने ओर से भारतीय जनता पार्टी ओर से इस टीम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो इस कार्यक्रम में इस अच्छे ढंग से भाईचारे के साथ चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।